इसराइल हमास युद्ध पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। इसराइल की सेना लगातार हिजबुल्ला के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। हिजबुल्ला के सैन्य परिसर और चौकियों को बनाया गया निशाना। हिजबुल्ला के 4 आतंकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ इसराइली सेना ने हमले किए हैं। तो इसराइल ने 4 आतंकियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ एक्शन किए हैं। लगातार इसराइल की तरफ से अब हिजबुल्ला को टारगेट किया जा रहा है, जो उनके ठिकाने हैं उनको नष्ट किया जा रहा है, चौकियों पर भी हमला किया गया। अब 2 मोर्चे पर इसराइल की जो सेना है उसके सामने चुनौती है, पिछला हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले करना और नई चुनौती के तौर पर हिजबुल्ला। हालांकि शुरुआती वक्त से ही उसने हमला करना शुरू कर दिया था। पश्चिम एशिया में महाजंग की आग भड़कने की आशंका और ज्यादा तेज हो गई है। जैसे जैसे इसराइल गाजा में जमीनी ऑपरेशन करने के लिए आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे उत्तरी इसराइल में लेबनान की सीमा और जॉर्डन की सीमा पर तनाव जंग का रूप ले रही है, वैसे वैसे माहौल और खराब हो रहा है। वैसे ही अमेरिका के सैन्य ठिकाने भी निशाने पर आ चुके हैं और इसीलिए अमेरिका पश्चिम एशिया में मिलिट्री की मौजूदगी को और ज्यादा बढ़ा रहा है और अपने घातक हथियारों को एक्टिवेट कर चुका है। मोर्चों पर जंग चल रही है। इसराइल की सेना हर मोर्चे पर दुश्मन पर भारी पड़ रही है। गाजा में ताबड़तोड़ हमले जारी है। अब वेस्ट बैंक में भी हमास के ठिकाने पर हमले होने लगे हैं। वहीं लेबनान की सीमा पर हिजबुल्ला के साथ जंग चल रही है। लेकिन पश्चिम एशिया के सबसे अस्थिर इलाके में जब इस तरह के हालात हों तो दुनिया को चिंता सताने लगती है कि यहाँ भड़की एक चिंगारी अरब देशों में आग भड़का सकती है और वो ज्वालामुखी का रूप ले सकती है, जिसमें सुपर पावर अमेरिका के हाथ भी जल सकते हैं। पश्चिम एशिया में महातबाही की दस्तक। महायुद्ध में अमेरिका के हथियारों की एंट्री। अमेरिका ने की ईरान को रोकने की तैयारी। इसराइल और हमास के बीच चल रही जंग में अमेरिका की एंट्री से ईरान परेशान है और लगातार अमेरिका को धमकियां दे रहा है। अमेरिका को भी पता है कि अगर इसराइल और हमास का युद्ध गाजा से निकलकर लेबनान या सीरिया तक भी पहुंचता है तो इस जंग में अमेरिका को कूदना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ईरान छिप कर वार करने की जगह खुलकर इसराइल के खिलाफ हमला बोल देगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। पिछले 4 दिनों में हर रोज अमेरिका पर हमले हुए। इराक में अमेरिका के मिलिट्री बेस को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया गया। सीरिया में भी अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमले हुए तो यमन से भी हूथी आतंकियों ने मिसाइल और ड्रोन से इसराइल पर ताबड़तोड़ हमला करने की कोशिश की, जिसे लाल सागर में तैनात अमेरिका के एक युद्धपोत ने नाकाम कर दिया। अमेरिका ने सालों तक अपनी नेवी और मिलिट्री के 1,00,000 से ज्यादा जवानों को पश्चिम एशिया के कई मुल्कों में अलग अलग सैन्य ठिकानों पर तैनात करके रखा था। लेकिन जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद नीतियां बदली और अमेरिका ने पश्चिम एशिया से ध्यान हटाकर अपना ध्यान हिंद प्रशांत महासागर में लगाया और इराक और सीरिया में तैनात अपने रक्षा कवच को कम करके थार्ड और पैट्रियट सिस्टम को पैसिफिक में लेकर चले गए। और अब जब ईरान के इशारे पर अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं तो अमेरिका को अपनी सुरक्षा व्यवस्था फिर से मजबूत करनी पड़ रही है। मिलिट्री एक्शंस के लिए उसने ऑलरेडी मेडिटेरियन सी में अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर विद फ्रिगेट्स, विद वारशिप, विद डेस्ट्रॉयर्स, विद सबमरीन्स एंड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिए हैं। इसके साथ साथ वो जितने अपने मिलिट्री बेसिस हैं उन मिलिट्री बेसिस को स्ट्रेंथन करेगा और वहाँ पर हर तरह का एयरक्राफ्ट और एमिनिशन को पहुँचाएगा। सितंबर 2021 की जानकारी के मुताबिक पश्चिम एशिया में अमेरिका के 36 सैन्य ठिकाने थे, जहां करीब 43,000 जवानों की तैनाती थी और पूरे पश्चिम एशिया में एक सुरक्षा चक्र तैनात था।
ईरान के आसपास अमेरिका के कितने सैन्य ठिकाने थे और कैसी तैनाती थी, लेकिन मौजूदा वक्त में यहाँ के अधिकतर अमेरिकी मिलिट्री बेस पर तैनाती को कम कर दिया गया है। लेकिन एक बार फिर अमेरिका का फोकस पश्चिम एशिया की ओर बढ़ा है और पुराने रक्षा कवच को एक्टिवेट किया जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इसराइल और हमास की जंग के बढ़ने की संभावना, जो पश्चिम एशिया में कई मोर्चों पर जंग के ज्वालामुखी को सक्रिय कर सकता है। वर्तमान की स्थिति को देखते हुए अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट डिप्लॉय करेगा और एयरक्राफ्ट में भी F-15, F-16, F-35, A-10। अमेरिका ने पश्चिम एशिया में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया, थार्ड और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती का फैसला। पेंटागन ने पश्चिम एशिया में अतिरिक्त जवानों की तैनाती का फैसला लिया। पूरे क्षेत्र में नौसेना और मिलिट्री की तैनाती बढ़ाई जाएगी। अमेरिका ने पहले ही 3 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात कर दिया है। वहीं ओमान की खाड़ी और लाल सागर में भी अमेरिका के मिसाइल क्रूजर की तैनाती पहले से है। इसके अलावा बहरीन में अमेरिका का बड़ा नेवी बेस है, जहां अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा तैनात रहता था। उसे एक बार फिर एक्टिवेट किया जा सकता है। जाहिर है अमेरिका हर तरह के हालात से निपटने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका को पता है कि अगर वो पश्चिम एशिया में तैनाती बढ़ाता है तो उसके दबाव में इसराइल और हमास की ये जंग शायद आगे ना बढ़े, लेकिन साथ ही में अमेरिकी बेस पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं उससे अमेरिका को ईरान के आसपास ना सिर्फ अपने जवानों और सैन्य ठिकानों के लिए सुरक्षा कवच को मजबूत करना है, बल्कि अपनी स्ट्राइक क्षमता को इतना ज्यादा बढ़ा देना है कि कोई भी हमला करने से पहले 100 बार सोचे। लेबनान का राजनीतिक और चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला इसराइल के साथ सीधी जंग के लिए उतावला है। हिजबुल्ला चाहता है कि इसराइल उसके खिलाफ खुलकर जंग के लिए मैदान में आ जाए, लेकिन अमेरिका ने इसराइल को चेतावनी दी है कि वो हिजबुल्ला से भिड़ने की गलती ना करे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर ये युद्ध विश्व युद्ध में बदल जाएगा। हालांकि इसराइल हिजबुल्ला के हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने में कोई गुरेज नहीं कर रहा है, तो सवाल है कि क्या अमेरिका की बात न मानकर इसराइल बहुत बड़ी गलती कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। हमास और इसराइल के बीच छिड़ी जंग अब हमास हिजबुल्ला बनाम इसराइल की जंग बनती जा रही है, क्योंकि गाजा पट्टी पर इसराइल की ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक के जवाब में लेबनान से इसराइल पर रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइलों से हमले जारी हैं। जवाब में इसराइल भी हिजबुल्ला के ठिकानों पर बम बरसा रहा है। तो क्या हिजबुल्ला इसराइल को हमले के लिए भड़का रहा है? क्या हिजबुल्ला चाहता है कि इसराइल लेबनान पर ज्यादा से ज्यादा हमला करे ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए? जी हाँ, हिजबुल्ला का मकसद बहुत ही खतरनाक है। अगर हिजबुल्ला अपने इस मकसद में कामयाब हो गया तो समझिए कि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत होने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि हिजबुल्ला के इस मकसद को अमेरिका भांप चुका है, इसलिए तेल अवीव से जाते जाते बाइडन ने नेतन्याहू को बहुत गंभीरता से ये कह दिया था कि हिजबुल्ला भले ही कितना भी भड़का है, लेकिन उसके साथ इसराइल को उलझने से बचना चाहिए। क्या बाइडन के इस सलाह को नेतन्याहू पूरी तरह से समझ पाए? क्या बाइडन के इस सलाह के मायने नेतन्याहू की समझ में आए, या फिर समझ कर भी नेतन्याहू बाइडन की सलाह को नजरअंदाज कर रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हिजबुल्ला के हर हमले का जवाब इसराइल ईंट का जवाब पत्थर की तरह दे रहा है, जिसका मतलब है इसराइल ने अमेरिका की सलाह को नजरअंदाज कर दिया। तो क्या इसराइल बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है? क्या इसराइल हिजबुल्ला को उसके मकसद में कामयाब बनाने जा रहा है? ये जानने से पहले हिजबुल्ला का मकसद जान लीजिए। दरअसल हिजबुल्ला की खुद की ताकत इतनी है कि वो इसराइल को बेहाल कर सकता है। हिजबुल्ला के पास 1,00,000 ट्रेंड लड़ाकों की फौज है और ये संगठन करीब 1,50,000 रॉकेट रखने का दावा करता है, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर हिजबुल्ला ने इसराइल पर रॉकेट दागने शुरू किए तो इसराइल धुआं धुआं हो जाएगा। और एक साथ इतने रॉकेट को रोकने की क्षमता इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम में भी नहीं है। इसके बाद हिजबुल्ला अपने लड़ाकों को इसराइल में जमीनी जंग के लिए भेज सकता है, लेकिन हिजबुल्ला चाहता है कि लेबनान की फौज उसकी फौज के साथ मिलकर इसराइल से लड़े। इसीलिए हिजबुल्ला लेबनान को भी इस जंग में घसीटने की कोशिश कर रहा है। लेबनान पर इसराइल के हमले इसी रफ्तार से जारी रहे तो बहुत जल्द लेबनान भी इसराइल के खिलाफ यलगार कर सकता है, तब हिजबुल्ला का मकसद पूरा हो जाएगा।
इसराइल के खिलाफ जंग में लेबनन के कूदते ही ईरान को इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलान करने का मौका मिल जाएगा, और ईरान तो इसी मौके की तलाश में बैठा हुआ है। ईरान तो अभी से हमास के साथ मिलकर इसराइल के खिलाफ जंग में शामिल होना चाहता है, लेकिन एक चरमपंथी संगठन को सपोर्ट करना और उसके साथ युद्ध लड़ना दोनों अलग चीजें हैं। इसीलिए ईरान हमास के साथ सीधे तौर पर खड़ा तो नहीं होगा, लेकिन लेबनन के साथ आने में वक्त भी नहीं लगाएगा, और इस तरह से हिजबुल्ला का दूसरा मकसद भी पूरा हो जाएगा। अगर ईरान जैसा मुस्लिम देश इसराइल के खिलाफ जंग में उतरा तो दुनिया के सभी मुस्लिम देशों को ईरान के पीछे खड़े होने में देर नहीं लगेगी, और तब इसराइल के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी, जिसका सामना करने के लिए खुद अमेरिका को इसराइल के साथ युद्ध के मैदान में खड़ा होना पड़ेगा। और जंग में अमेरिका के उतरने का मतलब है कि नाटो के सभी 31 देश जंग में शामिल होंगे। तब हमास इसराइल का युद्ध विश्व युद्ध में बदल जाएगा, जो हमास और हिजबुल्ला जैसे चरमपंथी संगठनों की दिली ख्वाहिश है।